झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के लॉकडाउन राहत पैकेज पर सवाल खड़ा किया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि पीएम मोदी ने 12 मई को राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका फायदा जमीनी धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। कि जब इतना पैसा झोंक दिए हम इकोनॉमी में, तो लोग आज बेरोजगार क्यों हैं? हर सेक्टर में, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके सेक्टर में भी बेतहाशा लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोज जा रही हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून को समाप्त कर दिए जाने के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का ऐलान किया गया है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आज रोजगार की गारंटी हो और सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट हो। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने पर मोदी सरकार की नीतियों को घेरते हुए कहा कि जब 21 लाख रुपए आ ही गए तो झारखंड का 2,500 करोड़ क्यों नहीं दे रही है सरकार, इसे केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसमें आज रोजगार की गारंटी हो और सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट हो, जिसको हम लोग पे प्रोटेक्शन कहते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया समेत हर सेक्टर में लोगों के रोजगार जा रही है, रोजगार की गारंटी खत्म हो गई है। जब सरकार लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही तो झारखंड को बकाया जीएसटी की राशि दे देनी चाहिए, ताकि राज्य का विकास का पहिया ना रुके। अंत में उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं, तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और यदि जिम्मेवारी तय नहीं कर सकते हैं, तो जो स्टेट को मिलना है उससे आप क्यों महरूम रखते हैं? ये हम लोगों का एक अहम सवाल है जो 116 में इस राज्य की जनता केंद्र सरकार से पूछ रही है। हम लोग अपेक्षा करेंगे कि केंद्र सरकार राज्य के 3.5 करोड़ लोगों की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की पूर्ति करेंगे। इसलिए आपको आज यहाँ बुलाए थे कि आपके माध्यम से यदि बातें पहुँचे तो शायद हम लोगों को अपना जीएसटी का पैसा मिल जाए, हम लोगों का जो बकाया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा है वो मिल जाए, शेष मिल जाए, ताकि हम राज्य को विकास के पथ पर, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए वेंटिलेटर में तो खर्च किए गए, वो वेंटिलेटर आए भी होंगे, लेकिन हम लोगों को जहां तक मालूम है हमारे स्टेट को तो एक भी वेंटिलेटर नहीं आया। न्यूज़ एम इंडिया से पूजा भारती की रिपोर्ट।